चलिए एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं पाइप और टंकी में, ये नाइन्थ पार्ट रहेगा। इसके बाद यदि कोई डाउट बच जाता है तो मैं कुछ दिन बाद एक नया पार्ट बनाऊंगा, फिलहाल के लिए तो ये लास्ट पार्ट रहेगा। इस पार्ट में हम लोग कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो एक्चुअली आप फ्रैक्शन चैप्टर में मिल सकता है आपको वो क्वेश्चन, और ये टंकी इस्तेमाल किया कितने देर भरती, तो मैं इस चैप्टर में भी डाल रहा हूँ, कई कई बुक्स में इस चैप्टर में लिया हुआ है। तो इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन रहेंगे बहुत छोटे छोटे रहेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। यहां पूछा हुआ है शेष भाग को भरने में, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ये पूछे कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। द 3/5 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 10 मिनट्स, हाउ मच टाइम इज नीडेड टू फिल द रिमेनिंग पार्ट। समझना है इसको, क्या दिया है 3/5 पार्ट, कितने देर में 10 मिनट्स में वो भर सकता है, 10 मिनट्स में भर सकता है। तो वन पार्ट को लेकर चलेंगे, वन पार्ट तो 10 इंटू इसका उल्टा 5/3, क्यों इसका उल्टा किए देखो, 3/5 है इधर, इधर 3/5 है, मैं उसको क्या किया हूं 1 किया हुआ, तो 1 कैसे किया मैं उसको, मैं मान लो 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाता है 1, तो उस 5/3 को मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 50/3, जिसको हम लोग 16 से ही 2/3 मिनट लिख सकते हैं, मिनट में दिया हुआ है तो 16 से ही 2/3 मिनट। इतने देर में टंकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी भर जाएगी, लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ है शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट कितने देर में भरती है, तो 16 से ही 2/3 है, उसमें क्या घटा लेंगे 10, इसको तो पहले से भर चुका है उतना, तो 6/2/3 मिनट, ये हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन में दिया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं दिया है तो 6 मिनट ये हो जाएगा, और 2/3 को क्या लिख सकते हैं 2/3 × 60 सेकेंड, ये हो जाएगा, तो 6 मिनट और ये कितना हो जाएगा 20 × 60 40 सेकेंड। ऑप्शन में आपको या तो ये दिखाई देगा या तो ये दिखाई देगा, और आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बिल्कुल दिखाई देगा, ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे, दोनों में से कोई एक दिखाई देगा, ठीक है ना। तो 6 मिनट 40 सेकेंड या 6/2/3 मिनट में वो शेष टंकी को भर सकता है, और पूरी टंकी पूछेगा तो 16/2/3 मिनट। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक टंकी का 3/7 भाग भरने में 9 मिनट लगता है, तो शेष टंकी कितने समय में भरेगी आपको बताना है। इट टेक्स 9 मिनट्स टू फिल 3/7 ऑफ ए टैंक, सो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक फिल इन, कितने देर में भर जाएगी आपको बताना है शेष भाग। तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है 3/7, कितने मिनट में 9 मिनट में, तो 1 9 × 7/3, ये 3 किया और 7 21, ये आ जाएगा 21 मिनट, पूरी टंकी भर जाती है। लेकिन पूरी टंकी के बारे में नहीं पूछा है, वो कितने बारे में, रिमेनिंग पार्ट के बारे में, 9 मिनट इसमें से घटा लेंगे तो ये कितना बच जाएगा 21 में 9 गया तो ये हो जाएगा 12 मिनट, 12 मिनट में जो बचा हुआ भाग है टंकी का वो भाग भर जाएगा। यदि पूरी टंकी पूछता तो 21 और बचा हुआ भाग में 12 मिनट, रिमेनिंग पार्ट 12 मिनट, ये हो जाएगा आंसर। तो आसान है, अभी और प्रश्न बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक टंकी का 4/5 भाग 1 घंटे में पानी से भर जाता है तो ज्ञात कीजिए शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इफ 4/5 ऑफ अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर इन 1 आवर, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग टैंक। वैसा ही क्वेश्चन है, इस पार्ट में ऐसा ही क्वेश्चन रखा हुआ, 4/5 भाग, कितना भाग 4/5 भाग, कितने घंटे में 1 घंटे में भर जाता है, 1 घंटे में पानी से भर जाता है, तो एक भाग कितने देर में भर जाएगा 1 × 5/4, वैसा ही कर रहा हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन आए ठीक है, ये हो जाएगा 5/4, लेकिन क्वेश्चन में क्या, शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। ये 5/4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/4 लिख सकता हूं मैं, ये घंटे है ठीक है, उसको बाद में लिख लेंगे। शेष टंकी पहले तो 1 घंटे का काम कर चुका है वो, तो 1 इसमें हम लोग क्या कर लेंगे घटा लेंगे, ये आ जाएगा 1/4 आवर्स, 1/4 घंटे। यदि इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 1/4 × 60, और ये आ जाएगा कितना, 15 × 60 होता है क्या, 15 मिनट, ये आ जाएगा 15 मिनट।
तो आंसर 1/4 hours या 15 minutes, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आपको जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो लेना है, ठीक है, और बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी टंकी के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी है, ध्यान से सुनिएगा, 80 लीटर पानी है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा आपको बताना है। इफ 1/3 ऑफ ए टैंक इज फिल्ड विद 80 लीटर ऑफ वाटर, देन हाउ मच वाटर विल इट कंटेन व्हेन हाफ ऑफ इट इज फिल्ड, मतलब आधे भरे होने पर कितना लीटर पानी है। देखो क्या बोल रहे हैं, 1/3 भरा है तो कितना लीटर पानी है, 80 लीटर पानी है। अभी इसको 1 कर लेते हैं, 1 कैसे बनाएंगे इसको, 80 × 3/1, ये उसका उल्टा कर लिया मैं, ये हो जाएगा 240 लीटर। पूरी की पूरी टंकी में कितने पानी आ जाएगी, 240 लीटर पानी आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ है, आधी भरी होने पर कितना पानी, इसका आधा कर लेते हैं 1/240 का, ये आ जाएगा 120 लीटर आंसर। देखो ये सब छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग इसको भी लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, इसको भी वो एग्जाम में छोड़ आते हैं या सोच नहीं पाते हैं कि ये कैसे बनेगा, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं, आपसे ये इजीली अब बन जाएगा। देखते हैं और दो क्वेश्चन बना के। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो उसमें 30 लीटर पानी, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, टंकी की धारिता कितनी है। देखो उसमें क्या दिया हुआ है, 3/4 भरा हुआ है, और यदि 30 लीटर पानी बाहर निकालते हैं तो पूरी की पूरी टंकी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। मतलब यही किसके बराबर है, 30 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, 30 × ये हो जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 40 लीटर, 40 लीटर पूरी टंकी की कैपेसिटी हो गई। तो इसमें क्या दिया है, टंकी की धारिता, हाँ ठीक है, डायरेक्ट ये पूछा हुआ है, 40 लीटर टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी। आसान है ये क्वेश्चन, आपसे आप इजिली बन जाएगा। बहुत लोग तो इसको देख के हंस रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं इतना इजी इजी ऐसा करके, लेकिन फिर भी बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट को इसकी आवश्यकता भी होती है, तो उनके लिए है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी तरह से भर जाता है, कितने बाल्टी पानी से, 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी तरह से भर जाता है। बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है, बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है, 13.5 लीटर है। यह टंकी 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी से कितनी बार में भरेगी आपको बतानी है। अ टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली बाय 12 बकेट्स ऑफ वाटर, द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज 13.5 लीटर, हाउ ऑफन विल इट फिल द टैंक विद 9 लीटर ऑफ बकेट। तो टैंकी की कैपेसिटी पहले निकाल लेंगे, 12 बार भरती है कितने लीटर के बाल्टी से, 13.5, ये हो गई टंकी की कैपेसिटी 12 × 13.5। अब उसको किससे भरना है, 9 लीटर वाले बकेट से भरना है, तो इसको किससे डिवाइड कर लेंगे, हम लोग 9 से डिवाइड कर लेंगे, यही करना था बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, ये 3 × 9 हो गया, 3 × 4 = 12 हो गया, और कहीं से इसको कैंसिल हो गया, कैंसिल होगा कर लेंगे, नहीं होगा तो इसको सीधे सीधे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 × 4 = 52 हो गया, और 0.5 चार बार मिलके 2 और हो गया, 54 हो गया, ये 54/3 आ गया, 18 दिया क्या होता है 54, 18 टाइम्स 18 बार में वो टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन बुक्स में भी दिया हुआ है, आप इसको बिल्कुल माइंड में रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आपके लिए वो क्या है, बोनस है, अदरवाइज क्या है, ऐसा क्वेश्चन तो किसी से भी बन जाता है। तो हम लोग पाइप और टंकी में यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हो सके तो एक एक किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, बी उस काम को इतने दिन में कर सकता है, ऐसे वाले क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वो इसी टाइप से, इसी कॉन्सेप्ट से ही बनेगा, पाइप और टंकी के कॉन्सेप्ट से ही बनेगा, तो उसको लेकर हम लोग चलेंगे, कुछ दिन में उसको स्टार्ट करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। आपको यदि आप पाइप और टंकी फर्स्ट पार्ट से लेकर इस पार्ट तक देखते हैं तो और इसकी आवश्यकता नहीं, हाँ एक दो क्वेश्चन जरूर छूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर यदि मेरे डाउट पूछते हैं और लगता है कि इसको बताना चाहिए तो मैं आपके सामने उसको फिर से लेकर आ जाऊंगा, तब तक आप इसको देखते रहिए। थैंक यू।